हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका लेबर कार्ड बना है तो आपको सरकार दे रही है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। आप कैसे चेक कर सकते हैं आपका लेबर कार्ड से कि आयुष्मान कार्ड बन सकता है? यहाँ पे देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके लिए चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है beneficiary.nha.gov.in। इसके बाद आपको सर्च पे जाना है, यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे PMJY रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर सॉरी यहाँ पे सब स्कीम्स सेलेक्ट करना है। तो आप जिससे सर्च करना चाहते हैं, जैसे आप श्रमिक कार्ड लेबर कार्ड से आप अपना चेक करना चाहते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड में नाम आया है कि नहीं, तो उसके लिए आपको BOCW पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे BOCW ही सेलेक्ट करना है, तभी आपका आयुष्मान कार्ड बन पाएगा अगर लिस्ट में नाम आया होगा। तो आपको BOC सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे लेबर कार्ड वाला। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। सब डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, आधार नंबर। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, फिर आपको यहाँ पे दिया गया कैप्चा कोड डाल के इसके बाद सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। सर्च पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए फैमिली वन फैमिली फाउंड, यहाँ पे एक लोग का मिल गया है। आपको आधार नंबर से जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे आधार पे जितने भी आपका आधार जिस राशन कार्ड में जुड़ा रहेगा यहाँ पे फैमिली आईडी में राशन कार्ड नंबर लिखेगा। स्कीम का नाम BOC यहाँ पे लेबर कार्ड का दिया गया है। आपका एड्रेस डिटेल्स लिखा रहेगा। इसके बाद जितने फैमिली मेम्बर हैं यहाँ पे सबका सीरियल वाइज नंबर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सीरियल वाइज नाम रहेगा, उनके फादर्स का नाम क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है इसमें दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर है तो लिखा रहेगा, नहीं तो नॉट अवेलेबल लिखा है। इसके बाद EKYC स्टेटस में यहाँ पे देखिए जिनका कार्ड बन गया होगा उनका वेरीफाइड लिखा रहेगा और कार्ड स्टेटस में अप्रूव लिखा रहेगा। एक्शन में यहाँ पे आप कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका कार्ड नहीं बना रहेगा यहाँ पे आइडेंटिफाइड, यहाँ पे नॉट जनरेटेड, इसके बाद यहाँ पे EKYC लिखा रहेगा। तो इस तरह से आप भी अपना श्रमिक कार्ड लेबर कार्ड से चेक कर सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड में नाम आया है कि नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।